आपने जो पढ़ाई की है बैक होम वो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर आपका यह डिसीजन आता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रजिस्टर्ड नर्स बन चुके होते हैं लग्जमबर्ग में। और आपके पास अगर दूसरा डिसीजन आता है, अगर आपको यह प्रोसेस फास्ट कराना है, तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताया है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली कलेक्ट करना है, उसके बाद ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। और वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव भी है, इसी के कारण काफी सारे लोगों की इच्छा होती है कि लग्जमबर्ग में जाके रहे, तो इसके कारण यहाँ। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको आपका बहुत ही ज्यादा अवेटेड वीडियो मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की रिक्वेस्ट आपने काफी ज्यादा समय से की है। और आज के इस वीडियो में आपका जो बहुत दिनों का अवेटेड वीडियो है फाइनली आ चुका है। वीडियो में जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड, स्पेशली एब्रॉड नर्सिंग से और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यह वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी सारी मेहनत करनी पड़ी। तो आपने डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लग्जमबर्ग में नर्स बनकर कैसे जाना है इसके बारे में बात करने वाले हैं, और लग्जमबर्ग में जाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, आपको नर्स बनने के लिए कैसे अप्लाई करना है, आपको जॉब कैसे ढूंढना है, और लग्जमबर्ग में नर्सेस की सैलरी क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी लग्जमबर्ग के बारे में देना चाहता हूँ, क्योंकि आप उस देश में नर्स जाने के बारे में सोच रहे हैं। लग्जमबर्ग यह एक सबसे छोटा देश है वेस्टर्न यूरोप में, और लग्जमबर्ग के बाजू में जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम है। और लग्जमबर्ग को टैक्स हेवन भी कहा जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग टैक्स से बचने के लिए लग्जमबर्ग जाते हैं और अपने बिजनेसेस के हेडक्वार्टर वहां बनाते हैं। और लग्जमबर्ग में नर्सेस के अलावा भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। दुनिया में सबसे ज्यादा नर्सेस को कहीं सैलरी मिलती है तो वो है लग्जमबर्ग। आज आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल है लग्जमबर्ग जाने के लिए या नहीं है। तो लग्जमबर्ग में जाने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है आपके पास एक फॉरेन नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका डिप्लोमा कम से कम 3 साल का होना चाहिए, और आपका जो डिप्लोमा है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तो लग्जमबर्ग में एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में अप्लाई करना पड़ेगा। और आपको एलिजिबल होने के लिए जो सबसे हार्ड चीज जो लग्जमबर्ग जाने के लिए है वो यही है कि आपको वहां के 3 languages जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज में B2 लेवल तक का आपका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। और जो लैंग्वेजेस लग्जमबर्ग एक्सेप्ट करता है वो है जर्मनी, फ्रेंच एंड लग्जमबोरिश। तो इन 3 language का आपके पास अगर नॉलेज है और B2 लेवल तक का आपका सर्टिफिकेट है तो आप लग्जमबर्ग जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और लग्जमबर्ग में आपको रजिस्टर होने के लिए आपको अपने कंट्री में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिससे आप लग्जमबर्ग इजिली जा सकेंगे और आपका लग्जमबर्ग का रजिस्ट्रेशन, नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको मैंने एलिजिबिलिटी बताया और आपको अभी बताऊंगा कि आपको कैसे और कहां पे अप्लाई करना है लग्जमबर्ग में नर्स बनकर जाने के लिए। सबसे पहले आपको बता दूं कि लग्जमबर्ग में नर्स बनकर जाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। जहां पे आपको एप्लीकेशन करना है वो है डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आप जब अपना एप्लीकेशन करते हैं डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास कॉपी ऑफ वैलिड पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 6 महीने तक ही वैलिड होता है, और यहाँ पे भी लग्जमबर्ग में भी ये 6 महीने के लिए ही वैलिड है। आपके पास आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छा है, ये बताने के लिए डॉक्टर से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट चाहिए, और जो सर्टिफिकेट आपको देना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को वो ओरिजिनल होना चाहिए। आपको आपका जो नर्सिंग ट्रांसक्रिप्ट है जो कि आपके कॉलेज या आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है वो लग्जमबर्ग के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सबमिट करना है, और आपका CV आपके साथ सबमिट करना है, और साथ ही साथ आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा। और इस चीज को कंप्लीट करने के लिए, इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 75 यूरोस का टैक्स पे करना पड़ेगा, और 75 यूरोस अगर आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 6000 के अराउंड इंडियन रुपीज में पे करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ अप्लाई करना है उसके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया वो डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में या तो फ्रेंच में या तो जर्मनी में या तो लग्जमबर्गिश लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स
हिंदी या आपकी कोई भी मातृभाषा है उसमें है, आपको उस डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराना होगा या तो जो मैंने 3 लैंग्वेजेस बताया उसमें ट्रांसलेट कराना होगा। तो मुझे लगता है कि बेस्ट वे है ट्रांसलेशन का इंग्लिश ही है, जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं इंग्लिश ट्रांसलेटर्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये एप्लीकेशन आपको करना है, आपके एप्लीकेशन होने के 4 to 6 वीक्स के बाद आपके पास एक डिसीजन लेटर आता है लक्समबर्गिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से। तो यूजुअली जो ये लोग डिसीजन देते हैं वो 3 टाइप के डिसीजन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट रिकॉग्निशन डिसीजन, और दूसरा होता है अ डिसीजन ग्रांटिंग कॉम्पेंसेटरी मेजर्स, और तीसरा जो डिसीजन होता है वो होता है रिफ्यूजल डिसीजन। पहला जो डिसीजन है वो है अ डायरेक्ट रिकॉग्निशन डिसीजन। इसका मतलब यह होता है कि आपने जो पढ़ाई की है बैक होम वो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगर आपका यह डिसीजन आता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रजिस्टर्ड नर्स बन चुके होते हैं लक्समबर्ग में। और आपके पास अगर दूसरा डिसीजन आता है जो कि होता है डिसीजन ग्रांटिंग कॉम्पेंसेटरी मेजर्स, इसमें आपको एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट या तो एडेप्टेशन पीरियड दिया जाएगा। जब ये लोग आपके डिग्री या डिप्लोमा को इवेल्युएट करते हैं उसमें उनको दिखता है कि आपके पास अगर कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज कम है या तो आपका एक्सपीरियंस ना होने के कारण या तो आपके एक्सपीरियंस में गैप होने के कारण कुछ लगता है कि आपसे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराना चाहिए, तो आपके डिसीजन लेटर पे लिख के आएगा कि आपके पास ये प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज ना होने के कारण या तो आपका एक्सपीरियंस कम होने के कारण या तो आपके एक्सपीरियंस में गैप होने के कारण आपको ये एप्टीट्यूड टेस्ट या तो अडेप्टेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। और ये एप्टीट्यूड टेस्ट या अडेप्टेशन प्रोग्राम आपको कौन सा चीज करना है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिसाइड करेगा, और आपके डिसीजन लेटर पे ही जो आपके पास आएगा बाय पोस्ट उसमें लिखा हुआ रहेगा। और अगर आपको रिफ्यूजल डिसीजन आता है इसका मतलब है कि आप लक्समबर्ग में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल नहीं है, आपका जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट किया गया है। लेकिन इस डिसीजन आने के बाद भी एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम तक आप अपने उस डिसीजन के ऊपर केस कर सकते हैं और अपने बाकी जो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके छूट चुके हैं तो वो सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको यह प्रोसेस फास्ट कराना है तो मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो में बताए हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली कलेक्ट करना है, उसके बाद ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। और जैसे ही आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो आपका प्रोसेस का जो डिसीजन है 4 to 6 वीक्स में आ जाएगा और आप रजिस्टर्ड नर्स लक्समबर्ग में बन जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था वीडियो के शुरुआत में कि आपको एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, ये दो चीजें बता दिया है। अभी आपको बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे ढूंढना है। जैसे ही आपके पास डिसीजन आ जाता है रजिस्टर्ड नर्स बनने का, आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। और वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि यह वेस्टर्न यूरोप का सबसे छोटा देश है, इसके कारण यहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत कम हॉस्पिटल्स है, और इसी रीजन से यहाँ पे जॉब की बहुत ज्यादा मारामारी है। और यह वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव भी है, इसी के कारण काफी सारे लोगों की इच्छा होती है कि लक्समबर्ग में जाके रहे, तो इसके कारण यहाँ पे वैकेंसीज काफी कम होती है। लेकिन आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी स्किल्स है, तो डेफिनेटली आपको भी जॉब मिल सकता है। लेकिन जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन जाने का काफी ज्यादा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे जॉब मिलने के लिए काफी सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको अगर जॉब मिल जाती है तो आपकी जो सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी जो लक्समबर्ग में एक नर्स की होती है, वो होती है $62,000। अगर उसे आप इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड 50 लाख के आसपास आता है। तो यह सैलरी काफी अच्छी है लक्समबर्ग में। और इसी के साथ साथ अगर आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा बढ़ता जाता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। और यहाँ पे जो टॉप लेवल की सैलरी होती है वो होती है अराउंड $1,28,000। अगर आप इसे इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो वो करोड़ के ऊपर जाता है। तो लक्समबर्ग की सैलरी अगर आप देखते हैं तो बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ की जो रजिस्टर्ड नर्स बनने की प्रोसेस है वो भी काफी ईजी है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको अडेप्टेशन प्रोग्राम मिलता है या तो एप्टीट्यूड टेस्ट मिलती है। तो ये अडेप्टेशन प्रोग्राम या एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी लक्समबर्ग में ही होगी, तो इसके कारण थोड़ा सा प्रोसेस आपका डिले हो सकता है और आपका खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर इसका खर्चा देखेंगे तो आपको लैंग्वेज के ऊपर ही खर्चा करना है और आपको 75 यूरो का टैक्स भरना है। इसके अलावा आपको ज्यादा खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है लक्समबर्ग में नर्स बनकर जाने के लिए। एक बार आपके पास रजिस्ट्रेशन आता है तो आप अप्लाई करते रहिए, आपको जॉब जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं लक्समबर्ग में। और आपको जॉब मिलता है तो आपके पास बहुत सारा पैसा और बहुत अच्छी लाइफ लक्समबर्ग में मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी लक्समबर्ग में नर्स बनकर कैसे जाना है उसके बारे में दे सकूं, और आशा करता हूं कि आपको हमेशा की तरह यह वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दूसरे दोस्तों को जो लक्समबर्ग जाना चाहते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।